ध्यान से देखना, इलास्टिसिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके पूछा, कुछ तो कह क्या, एक ने कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इलास्टिसिटी का। मैं कह रहा हूं उसको याद नहीं करना उस चीज को कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बंद करेंगे रजिस्टर्स, बंद करेंगे बुक्स, सिर्फ सुनने पर ध्यान देंगे। ध्यान से देखना, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना, एक बार रिवाइज कराता हूं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ध्यान से देखना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये कैसे कैलकुलेट होता है दृष्टि, इसका क्या फॉर्मूला है? सर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू 100। वेरी गुड। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू 100, वेर क्यू क्या होता है? ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। ओरिजिनल क्वांटिटी, एंड डेल्टा क्यू इज फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल। चेंज इन क्वांटिटी। तो बिल्कुल सही बोला आपने, न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है श्रुत? सर डेल्टा पी इनटू पी बाय 100 डेल्टा पी अपॉन पी अपॉन पी सॉरी सर अपॉन पी। इनटू 100, तो पी क्या है? ओरिजिनल प्राइस, और डेल्टा पी क्या है? चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया फिर? ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी इनटू 100। 100 100 कट गया तो हो गया डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, विच कैन बी रिटन एज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू पी बाय डेल्टा पी। तो वो सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या लिखते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू। ए इनटू बी इज इक्वल टू बी इनटू ए, ये तो बस सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये सब एक ही फॉर्मूले का पार्ट है, ये सब एक ही है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी इनटू 100, या फिर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू। वो कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि आपको कौन से फॉर्मूले से करना है, कह रहे जिस मर्जी से कर लो आप। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी होगी कि कोई फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। जैसे कि ध्यान से देखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था ना, ध्यान से देखना, पीडीएफ फाइल विजिबल है? यस सर। अब अगर यहां पे है एज अ रिजल्ट ऑफ 10% राइज इन द प्राइस ऑफ गुड, इट्स डिमांड फॉल्स फ्रॉम 100 टू 90 यूनिट्स, फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी। अब क्या मुझे ओरिजिनल प्राइस दे रखा है? नो सर। क्या मुझे न्यू प्राइस दे रखा है? नो सर। मुझे बस दे रखा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस डायरेक्टली दे रखा है तो मुझे ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस चाहिए ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में तो परसेंटेज आता है, ठीक है। और मुझे ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी दे रखी है, तो अगर ओल्ड क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी, तो आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल सकते हो। यस सर। तो मेरा क्वेश्चन बस ये है कि अगर क्वेश्चन 25 होता तो क्या आप उसमें ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू अप्लाई कर सकते थे? नो सर। नो जब आपके सर। पास पी नहीं है, न्यू प्राइस नहीं है, तो डेल्टा पी निकल ही नहीं सकता, तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते थे। तो मैं कह रहा हूँ वो बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी आपकी कि अब मुझे 1% दे रखी है,
तो एक परसेंटेज दे रखी है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आप डायरेक्टली लिख लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इन टू 100 करके निकाल दो, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इलास्टिसिटी निकल जाएगा। तो ये बात बहुत जरूरी है समझना, फॉर्मूले याद नहीं करने, समझने हैं। ये एक ही फॉर्मूला है, उसके डिफरेंट वेरिएशंस हैं, उसको एक्सप्रेस करने की एक ही रिजल्ट आएगा सबसे, बट कभी कभी इंफॉर्मेशन ऐसी दे रखी होती है कि आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला ही हेल्प करेगा। अब अगर वो वाला क्वेश्चन आता है कि इलास्टिसिटी इज गिवन और तीन वैल्यू गिवन है, एक निकालनी होती है व्हेन इलास्टिसिटी इज ऑलरेडी गिवन, तो उसमें सबसे सूटेबल ये मेथड रहता है कि आप इसमें पुट कर दो, जो मिसिंग फिगर है उसको कैलकुलेट कर दो। एक परसेंटेज गिवन है, एक परसेंटेज गिवन नहीं, तो सबसे सूटेबल ये वाला मेथड रहता है कि जिसकी परसेंटेज गिवन है वो डायरेक्टली लिख दो, जिसकी नहीं गिवन वो ये मेथड से आप निकाल दो। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि कब कौन सा सूटेबल है, उसके लिए हम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो समझना है इस चीज को, याद नहीं करना, फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना है। याद नहीं करना कि जब ऐसे इन्फॉर्मेशन हो तो ये फॉर्मूला ले लेंगे, जब ऐसे इन्फॉर्मेशन हो तो ऐसा क्यों, ये बात समझना कि वो उसमें आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि किसी फॉर्मूले को आप हर जगह अप्लाई कर सको। तो वो प्रैक्टिस से हमें पता चलेगा कब कौन सा फॉर्मूला हेल्पफुल होगा।